वेलकम बैक टू आर चैनल विद्या फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ पार्ट तो बाकी के पार्ट्स हम अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो काइंडली पहले उन वीडियो को देख लें तो चलिए चलते हैं आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय नाइन स्क्वेर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय फाइव यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इनक्रीज बाय थ्री यूनिट्स तो यहाँ पे वो सिंपली हमें कह रहा है कि जो हमारा एरिया है एरिया की बात हो रही है रेक्टेंगल के एरिया की वो कह रहा है कि ये कितने से रिड्यूस हो जाता है नाइन स्क्वायर यूनिट से उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है जब उसकी लेंथ को रिड्यूस किया जाता है पांच यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जाता है थ्री यूनिट से ठीक है उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हम इंक्रीज करें लेंथ को थ्री यूनिट से और ब्रेड को इन यूनिट्स टू यूनिट से इंक्रीज करें तो एरिया गेट्स इंक्रीज बाय सिक्सटी सेवन स्क्वायर यूनिट्स तो एरिया इंक्रीज हो जाता है तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल तो ये हमारे पास ऐसा एक रेक्टेंगल होता है उसमें क्या डायमेंशन होती है हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेड होती है तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट द लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको मैंने मान लिया यहाँ पर एक्स और जो ब्रेड्थ है उसको हम मान लेते हैं लेट द ब्रेड्थ भी वाई तो यहाँ पे ये हमारे यूनिट्स कोई भी यूनिट्स ले लीजिए अभी फ़िलहाल यूनिट्स लिखा है सिंपली क्वेश्चन में भी तो हम एक्स ले ले लेते हैं x यूनिट्स एंड y यूनिट्स तो जब मेरी लेंथ है x और मेरी ब्रेड है y तो उस टाइम पे एरिया कितना होगा पहले तो हम जान लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है फ्रेंड्स सभी को पता होगा कैपिटल से मैं एरिया डिनोट कर रही हूँ तो वो होता है लेंथ इन टू ब्रेड तो जब ये होता है लेंथ इन टू ब्रेड तो जब मेरी रेक्टेंगल की लेंथ है एक्स और ब्रेड है वाई तो यहाँ पे मेरा एरिया कितना होगा एरिया विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई लेंथ इन ब्रेड सिंपल ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटी क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब वो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि उसका एरिया जो होता है वो रिड्यूज हो जाता है नाइन स्क्वेयर यूनिट से पुराने वाले से पुराना हमारा ये है तो इससे वो नाइन स्क्वेयर यूनिट्स रिड्यूज़ होगा लेकिन कब जब उसकी लेंथ को रिड्यूस किया होगा फाइव यूनिट से तो मीन्स लेंथ अगर मेरी एक्स है तो पाँच यूनिट से उसको हमने डिक्रीज किया तो एक्स माइनस फाइव ये मेरी नई वाली लेंथ आ गई वैसे ही जो मेरी ब्रेड है उसको इंक्रीज किया है थ्री यूनिट से तो ब्रेड है वाई इंक्रीज हुआ है तो प्लस लगेगा वाई प्लस थ्री तो ये मेरी नई वाली लेंथ है और ये मेरी नई वाली ब्रेड है तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड होता है मीन्स एक्स माइनस फाइव इंटू वाई प्लस थ्री दिस विल बी इक्वल टू उसने कहा था कि जो एरिया होगा वो रिड्यूस हो जाएगा नाइन स्क्वायर यूनिट से तो पुराने वाला एरिया जो एक्स वाई है उससे रिड्यूस हुआ है तो मीन्स एक्स वाई माइनस नाइन तो ये है मेरी नई वाली लेंथ नई वाली ब्रेड और उसका एरिया लेंथ इन टू कितना है ये जो नया वाला एरिया है वो पुराने वाले से नाइन यूनिट्स रिड्यूज़ हुआ है तो चलिए थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं अब सिम्प्लीफाई करने के लिए हम यहाँ की टर्म को इस वाली टर्म से दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x को मल्टीप्लाई किया y से तो मेरे पास आया x इंटू वाई फिर x को किया 3 से तो प्लस थ्री फिर मैंने 5 को किया y से तो ये माइनस फाइव वाई फिर उसके बाद मैंने किया फाइव को थ्री से तो प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री ज फिफ्टीन तो ये मेरे पास आ गया है अब इक्वल टू के इस तरफ ये एक्स वाई है मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ और मेरा ये जो नाइन है इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ माइनस नाइन को तो चलिए अब ये जो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई है ये कैंसिल हो गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई अब ये माइनस फिफ्टीन को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस फिफ्टीन तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक नई इक्वेशन बन के आई है यहाँ पर दैट इज थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू सिक्स फिफ्टीन में से जब नाइन गया तो सिक्स बचा तो ये मेरी आ गई एक फर्स्ट इक्वेशन ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए अगली स्टेटमेंट स्टडी करते हैं वो कहता है अगर मैं इंक्रीज़ करती हूँ लेंथ को थ्री यूनिट से थ्री यूनिट से इंक्रीज़ करने को कह रहा है इंक्रीज द लेंथ बाय थ्री यूनिट्स तो मेरी लेंथ थी एक्स मतलब एक्स को अब मैंने इंक्रीज़ किया तीन यूनिट से ठीक है तीन नई वाली लेंथ आ गई एक्स प्लस थ्री और ब्रेड को मैंने इंक्रीज किया टू यूनिट से तो ब्रेड पहले थी वाई अब इसको टू यूनिट से इंक्रीज़ किया वाई प्लस टू तो जो मेरा एरिया नया वाला एरिया है वो कह रहा है वो इंक्रीज़ हुआ है कितने से सिक्सटी सेवन स्क्वायर यूनिट से मीन्स पुराने वाला जो एरिया था एक्स वाई यहाँ पर वो कितने से इंक्रीज़ हो गया प्लस सिक्सटी सेवन से वो इंक्रीज़ हो गया ये कह रहा है ये तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगली वाली टर्म से ये होगा एक्स को यहाँ वाई से किया फिर एक्स को किया टू से तो टू एक्स फिर हमने थ्री को करना है वाई से तो ये आ जाएगा थ्री वाई प्लस थ्री टू जा सिक्स तो अभी एक्स वाई को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ और वहाँ पे बचा सिक्सटी सेवन तो चलिए जब इसको सॉल्व किया तो एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पे मेरे पास बचा टू एक्स प्लस थ्री वाई विल बी इक्वल टू सिक्सटी सेवन माइनस सिक्स सिक्स को यहाँ से हम इक्वल टू के उस तरफ ले गए तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा तो अब मेरी नई इक्वेजन बनी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा सिक्सटी वन तो ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेजन तो अब ये दो इक्वेजन्स मेरे पास बन गई हैं फ्रेंड्स तो अब हमने इन दो इक्वेजन्स को चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे नोट डाउन करते हैं और किसी मेथड से यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा मेथड हम यूज करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेजन बनी थी वो थी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्सटी वन एक इक्वेजन मेरी ये थी और जो दूसरी इक्वेजन थी मेरी वो थी थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू सिक्स तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ करने के लिए पहले हम ये जो कांस्टेंट टर्म है सिक्सटी वन है और जो सिक्स है इसको हम इक्वल टू से इस तरफ ले आते हैं तो इक्वेजन बनेगी नई वाली टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी वन इक्वल टू ज़ीरो और जो नेक्स्ट इक्वेशन है ऊपर थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स तो ये बनी मेरे पास सॉरी यहां पर हमने इक्वल टू के इस तरफ लाना था तो यहाँ पे बना माइनस सिक्स और ये हो गया इक्वल टू जीरो गए इस तरीके से तो अब मेरी दो इक्वेशंस बन गई हैं अब इनको हम लिख लेते हैं ऐसे थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी वन इक्वल टू ज़ीरो तो ये मेरी नई इक्वेशंस हैं थर्ड एंड फोर्थ अब इनको यूज़ करते हैं हम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब हम पता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे करते हैं एक्स वाई वन दूर दूर लिखेंगे और इनके नीचे हमने क्या लिखने इनके कोफ़िशेंट्स तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाले से तो यहाँ मैं लिखूँगी माइनस फाइव प्लस थ्री जो इनके कोफिशंट्स हैं साथ में वाई के साथ फिर उसके बाद अगले लिखेंगे माइनस सिक्स और सिक्सटी माइनस सिक्सटी वन उसके बाद वापस आएंगे इधर फिर लिखेंगे थ्री एंड टू फिर यहाँ पे एंड अपना पे होगा जहाँ से हमने शुरुआत करी थी माइनस फाइव एंड थ्री पे चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं हम इसे तो जब मैंने सॉल्व किया फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्सटी वन से तो ये आया मेरे पास यहाँ पर थ्री जीरो फ़ाइव फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं अगली टर्म को अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू माइनस सिक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ एटीन तो ये आया अब इक्वल टू वाई के नीचे देखते हैं क्या आएगा वाई के नीचे देखिए माइनस सिक्स इंटू टू पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स इंटू टू तो यहाँ पे मेरे पास आया माइनस ट्वेल्व फिर हम सब करते हैं सब ट्रैक्ट देखिए माइनस सिक्सटी वन इंटू थ्री अब इसको करेंगे तो ये क्या आएगा मेरे पास नेगेटिव में आएगा वन एट्टी थ्री वैसे ही वन के नीचे देखिए क्या आएगा पहले थ्री को थ्री से करेंगे तो यहाँ पे आएगा थ्री थ्री ज नाइन फिर सब का साइन फिर उसके बाद माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सॉरी टू के साथ तो ये हो जाएगा माइनस टेन तो चलिए अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x के नीचे अब क्या आएगा यहाँ पर मेरे पास थ्री ज़ीरो फाइव प्लस एटीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू y अपॉन माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस वन एटी थ्री वैसे ही उधर क्या आएगा वन अपॉन नाइन माइनस माइनस प्लस एंड टेन चलिए थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो अब मैंने जब एडअप कर दिया थ्री ज़ीरो फाइव और एटीन को तो ये आया थ्री ट्वेंटी थ्री इक्वल टू वाई अपॉन वन एटी थ्री में से ट्वेल्व जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आया वन सेवेंटी वन इक्वल टू वन अपॉन टेन प्लस नाइन नाइनटीन अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म से फिर इसको कंपेयर करेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे जब मैंने कंपेयर किया x अपॉन थ्री ट्वेंटी थ्री को वन अपॉन नाइनटीन से तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी थ्री ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई नाइनटीन थ्री ट्वेंटी थ्री ये ऊपर चला जाएगा तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज सेवेंटीन तो चलिए थोड़ा सा हम अपना ये पार्ट रब कर लेते हैं इधर तो अब वहां पे कंपेयर किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है क्या दैट इज सेवनटीन तो ऐसे ही अब हम कंपेयर करेंगे और अपनी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की वैल्यू कंपेयर करने के लिए वाई अपॉन वन सेवेंटी वन इक्वल टू वन अपॉन नाइनटीन तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी वन सेवेंटी वन डिवाइडेड बाई नाइनटीन तो नाइनटीन के टेबल में वन सेवेंटी वन आता है कब जब हम नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू आ गई नाइन तो देखिए y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों आ गई हैं तो मेरी इसका मतलब मेरी लेंथ क्या है सेवनटीन यूनिट्स और मेरी ब्रेथ क्या है नाइन यूनिट्स तो यही हमें निकालना था उसने बोला था डायमेंशन निकालिए रेक्टेंगल की तो लेंथ है ये और ब्रेड है ये उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए यही क्वेश्चन लेके आए हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और जल्दी इस साल अगर आप चाहते हैं स्कोर करना हाई या चाहते हैं आप 90% परसेंट अबव लेके आए मैथ्स में तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू